मुझे हम चार जो नॉमिनेटेड लोग थे उनमें से मुझे ऐसा उस वक्त लगा था कि शायद विकी भैया निकलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वोट, बट अनफॉर्चुनेटली मैं निकल गई. इस चीज़ के बारे में मैं शो पे भी बात कर चुकी हूँ, ये इस बारे में मुनव्वर खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर ये टॉपिक घर के बाहर हो रहा होता तो इस टॉपिक को इंटरटेन भी नहीं करते. एंड इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट हिज एंड माइंड पर्सनल लाइफ, बट इट वॉज ऑल्सो अबाउट द स्टैंड दैट आई वॉन्टेड टू टेक. यू नो, मैं चीटिंग को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहती. मेरे लिए इट्स अ वेरी बिग इशू एंड अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो आज हमारे यू नो कम्युनिटी में बहुत फैल चुका है. मैंने प्रूफ्स वाली बात डे वन पे भी बोली थी, जब मैं आर्काइव रूम में आई थी तभी मैंने क्लियर कर दिया था कि आप अगर मेरे अगेंस्ट कुछ भी झूठ बोलते हैं तो मैं बाहर प्रूफ्स देकर आई हूँ और मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ. एंड रही बात कि यू नो मैं बहुत जोश से आई थी और फिर जो मेरा गेम डल होने की बात है, हाँ मुझे भी इस चीज़ का रिग्रेट है कि शायद अगर मैं उस इमोशनल चीज़ में ना बही होती तो मैं एज अ कंटेस्टेंट बेटर कर पाती. बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए. एंड रही बात मैं नॉमिनेशन की वजह से मैंने चीज़ें नहीं बोली थी, जो रीज़न यूज़ हुआ था नॉमिनेशन में दैट इज़ वॉट हर्टेड मी कि यू नो आप अगर मुझसे कह रहे हैं कि यू नो पर्सनल चीज़ों को असाइड रख के गेम पे फोकस करते हैं, गेम पे फोकस करते हैं एंड आप ही गेम के लिए मेरा मुझे एक पर्सनल रीज़न दे के नॉमिनेट करें. अगर वो मुझे नॉमिनेट नहीं करते तो भी मैं नॉमिनेट होने वाली थी, पूरा घर का हाथ था ही मेरे नॉमिनेशन के पीछे. सो इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ नॉमिनेशन, इट वॉज बिकॉज ऑफ द रीज़न. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो पॉडकास्ट वाली बात है या मेरे कॉमेंट करने की बात है, मैं तो खुद ही मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ कि यू नो मैं खुद ही अपने सोशल मीडिया पर ये चीज़ जैसी जिस दिन मुझे पता चली थी उसी दिन पोस्ट करने वाली थी इस चीज़ से रिलेटेड एक वीडियो बना के. क्योंकि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया और कोई अपने पब्लिक इमेज का मिसयूज़ कर रहा है तो मैं क्यों ना बोलूँ उस चीज़ के बारे में. तो ये मेरा ही डिसीजन था कि हाँ मैं उसकी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ. बट पॉडकास्ट के पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था. जब वो पॉडकास्ट हुआ भी था तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, वो एक बहुत फन एक कैजुअल पॉडकास्ट था एक मेरे जूनियर के साथ और मैंने वो किया था बस उस इंटेंशन से. और मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि वो मुझे बिग बॉस पे जाना है तो उसका रास्ता ये पॉडकास्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं. जी नहीं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक पे ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहती. बट आई वॉन्ट से सिर्फ उनसे रिलेटेड बहुत सारी जो इस सिचुएशन से रिलेटेड चीज़ें थी उसमें मुझे ऐसा फील होता है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में आप चीज़ें बोल देते हो. मैं शायद कुछ चीज़ें ना बोलती तो मैं खुद भी आज एक बेटर पोजिशन पर होती. बट मुझे रिग्रेट है बहुत चीज़ें बोलने का, बट मुझे पता है कि मैंने सच बोला है, झूठ नहीं. सो दैट इज़ समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप और हम क्या सोचते हैं और जो रियल लोग हैं और जो सेंसिटिव लोग हैं वो क्या सोचते हैं. जब आप किसी के फ़ैन होते हो, अगर मैं भी किसी की फ़ैन हूँ, तो आप एक हद तक भूल जाते हो कभी कभी कि मोरली क्या सही और क्या गलत है. मैं भी शायद अगर किसी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उसके बारे में कुछ कोई बोले तो दैट वोंट चेंज मी फ्रॉम अ फ़ैन टू समबडी एल्स. तो वो प्यार मैं वो क्रेजीनेस समझती हूँ एंड मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ. बट रही बात जो ट्रोलिंग और हेट की है, तो फॉर वेरियस रीजन आपको हमेशा व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री वो ट्रोल और वो हेट मिलता ही रहता है. आई जस्ट वॉन्ट लुक ऑन द पॉजिटिव साइड और अच्छी चीज़ों की तरफ. हाँ मतलब मैं अगर इस चीज़ में मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इस चीज़ में यू नो ये स्टैंड ले रही हूँ तो अगर किसी को फील होता है कि उनके साथ भी गलत हुआ है एंड इट्स नॉट जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुनव्वर, किसी और लड़के की भी टूवर्ड्स या किसी और ने भी उनका गलत किया है, तो आई थिंक आपको उस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए एंड यू शुड बी वोकल अबाउट इट. अगर मुझे गेम का इतना ही क्रेज़ होता तो शायद वो जो यू नो मुझे नॉमिनेशन और इन्हीं चीज़ों से फ़र्क पड़ता, तो वो जो मेरा 10 दिन का पीरियड था जिसके वजह से मेरे बाकी घर वालों से रिश्ते ख़राब हुए, मैं वो ना करती और मैं इमोशंस में ना बहती. बट मेरे लिए उस वक्त वो ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं क्या फील कर रही हूँ क्या नहीं, रादर देन मैं नॉमिनेट हो रही हूँ या नहीं या मैं क्या कर रही हूँ, गेम में कैसे जा रही हूँ वगैरह वगैरह. नहीं आई थिंक दिस आई टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट अगर किसी को लगता है कि मैं एक बिग बॉस मटेरियल हूँ. बट नहीं, मैं ये सब सोच के घर नहीं आई थी कि यू नो, और आई थिंक मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो ये लोगों को पता ही होगा, हम आम घर में भी जब जो फैमिलीज़ बिग बॉस देखती है हम घरों पे भी कमेंट करते हैं कि मेरी बेटी तो एकदम मतलब बिग बॉस जाएगी तो आग लगा देगी टाइप्स. तो वो वैसा सॉर्ट ऑफ कमेंट था एंड नॉट कि उस एक कमेंट के वजह से मैं ये डिसीजन ले लूं कि मुझे बिग बॉस करना है, बिल्कुल भी नहीं. और आई थिंक जैसा आप सब देख चुके हैं कि मैं बहुत वोकल हूँ मेरे साथ जो सही होता है और सही जो गलत होता है उसको लेकर. और अगर मुझे 1% भी 0.1% भी फील होता कि यू नो विकी भैया का टच या उनका मेरे टूवर्ड्स कंडक्ट जो है वो गलत है या उनके इंटेंशंस गलत है, तो मैं उसी वक्त उनको रोकती और वहीं शो पे उनको उस चीज़ के ऊपर कॉल आउट करती. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया है कि उनका जो मेरे टूवर्ड्स बिहेवियर है या जो उनका मेरे टूवर्ड्स जो टच है या कंडक्ट है वो गलत है. एंड ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो पोर्ट्रे हो रहा है या जैसे वो लग रहे हैं.
वो उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मनारा की, मनारा का, कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं. मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो, यू नो, शी इज़ वेरी ओवर एक्सप्रेसिव अबाउट व्हाट शी फील्स, एंड आई थिंक वो उस जोन में वो चीज़ें बोल देती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी जो शायद वो मीन भी नहीं करती हैं. रही बात मेरी मम्मा की, तो मैं मम्मी से अभी तक मिली भी नहीं हूँ, मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई है. शो पे जाने से एक डेढ़ महीना पहले तक मैं उनसे मिली नहीं थी. अभी इस, ये जब इंटरव्यू चल रहा है, मम्मा घर पर मेरा वेट कर रही है, आज वो वापस आई है, तो अब जाके मैं मिलूँगी और पता करूँगी कि वो क्या. हम बहुत, मेरे साइड से एटलीस्ट मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो भी अपने साइड से बहुत क्लियर है कि उनको मेरे साथ कुछ नहीं रखना और मुझे उनके साथ कुछ नहीं रखना, एंड हम इन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं. एंड रही बात नाजिला की, तो आई एम बिन ट्राइंग टू अवॉइड दैट टॉपिक मैं, बिकॉज ऑलरेडी वो एक बार एक्सप्रेस कर चुकी हैं कि यू नो शी डजेंट वॉन्ट दिस टू बी डिस्कस. तो मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी अगर मुझे फील भी होता है, मैं नहीं बोलना चाहूँगी. आई वॉन्ट कट दिस टॉपिक राइट हियर. एंड नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी जोन या ऐसा कुछ भी किसी चीज़ की ज़रूरत है जहाँ हम तीनों को साथ बैठ के कुछ भी डिस्कस करने की नीड है. अगेन, इट्स समबडीज पर्सनल डिसीजन, किसी को किस चीज़ पे स्टैंड लेना है नहीं लेना है. और मैं शो पे जब जा रही थी, तब भी मैंने किसी से भी, नॉट जस्ट हर, किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मेरा साथ दे या मुझे सपोर्ट करे. मैं खुद में इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपनी बात खुद रख सकूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है अपना स्टैंड लेने की. और रही बात अनफॉलो करने की, तो नहीं, मेरे साइड से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है. मैं तो थी भी नहीं जब मैं वापस आई, तब मैंने देखा, तो आई एम श्योर उनको सर्टन चीज़ों का बुरा लगा होगा और उन्होंने अनफॉलो किया होगा और फॉलोअर से भी रिमूव कर दिया होगा. वो उन दोनों के बीच की बात है, वो मुनव्वर बेटर बता पाएंगे आपको. पहला जो आपका सवाल था उस पर, अगेन आई फील ये मुनव्वर के साइड से कही हुई बात है, तो उसका जस्टिफिकेशन वो ज़्यादा बेटर दे पाएंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली द ट्रूथ. एंड जो सेकंड सवाल आपका है कि यू नो मैंने क्या एक्सेप्ट किया था, मेरा मैंने कुछ एक्सेप्टेंस या ऐसी चीज़ नहीं थी, बट मेरे साइड से आई, नॉट जस्ट हिम, अगर कोई और भी होता तो मुझे, आई विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम विद समबडी हैविंग अ किड या किसी का कुछ ऐसी चीज़ है, या जो हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है या कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है, तो उससे मुझे अफेक्ट नहीं करता. अगर मुझे कोई इंसान पसंद है, तो मुझे वो उसकी पर्सनालिटी के लिए पसंद है, उनके जुड़े लोगों से या उनसे जुड़ी चीज़ों से अफेक्ट नहीं करेगा. हाँ, और वो चीज़ उन्होंने शो पे भी एक्सेप्ट की है कि यू नो शो से पहले भी और शो पे भी रहते हुए भी उन्होंने मुझसे वो शादी वाली बात की थी. एंड रही बात वो नाम लेने की, अगर मुझे लेना होता तो मैं शो पे ही ले लेती, बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीबडी एल्सेस नेम. डेफिनेटली आई, मतलब मैं उन्हें एज अ विनर नहीं देखती हूँ. आई फील वो एक रियलिटी शो है. रियलिटी का शो का मतलब ये होता है कि आपकी पर्सनालिटी कितनी रियल है और आप कितने रियल आते हैं वो पता चले. एंड आप सब देख चुके हैं कि कैसे उन्होंने चीज़ों पर फ्लिप ही किया है पूरे शो में. ओके, दोनों चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. पहला, मैंने, आप जैसा कह रहे हैं कि मैं, ईशा और अंकिता जी ने उसको बोला, तो अगर आप वो पूरी वीडियो देखेंगे तो मैंने कोई कमेंट मनारा पे नहीं किया था. कुछ बातें मैंने सुनी थी, और ये डांसर वाली बात तो मैंने उस वक्त सुनी भी नहीं थी, क्योंकि दोनों तरफ से इतना, आप जब वहाँ रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि शोर होता है कि आधी बातें समझ में भी नहीं आती है. बट मैंने वो गारमेंट वाली बात सुनी थी, एंड एक दो चीज़ें सुनी थी जिसपे मैंने रात में ईशा को, जब हम सो रहे थे तब मैंने उसको बोला भी था कि यू नो, वो आपने एपिसोड में नहीं देखा होगा, बट अगर आप लाइव फीड चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं, जहाँ मैंने ईशा को बोला था कि यू नो आप ऐसी बात प्लीज़ मत करिए, इट्स नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो, एंड डू नॉट स्पीक अबाउट दिस थिंग्स. जहाँ वो शर्ट वाली बात है, वहाँ पे एक और बार यू नो मनारा को ही बोला जा रहा था कि जब वो मुनव्वर को यू नो वो मसालों के लिए प्रोटेक्ट कर रही थी, तो वो उनके पास बैठी हुई थी, तो सब उनको चीप बोल रहे थे या वगैरह चीज़ें बोल रहे थे, तब भी मैंने बोला था कि यू नो आप ऐसे प्लीज़ किसी को, लड़की को चीप मत बोलिए, शी इज़ जस्ट प्रोटेक्टिंग हिम एज अ टीममेट. सो वहाँ पे भी मैंने स्टैंड लिया था. एंड रही बात शर्ट वाली, तो वहाँ पे आई डोंट नो इफ आपने देखा या नहीं देखा, या वो ओवरलैप में चला गया, शी वाज कमेंटिंग ऑन मी कि मैं बहुत गंदा स्मेल करती हूँ एंड मैं चीप परफ्यूम यूज़ करती हूँ एंड समथिंग लाइक दैट. एंड ऑन वेरियस occasions she has made me feel ki you know aap like I'm classless या I don't belong to the place जहाँ से ये लोग belong करते हैं and stuff. तो उस moment पर मैंने बोला कि फिर आप ये लीजिए, smell कर लीजिए मुझे, जब वो बोल रही थी कि you know you smell bad. So it was in that sense and nothing else.